गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम आपको एक ये टेप रिकॉर्डर दिखाने जा रहे हैं। ये 1990 का मॉडल है, फिलिप्स का है, D83491 मॉडल है। इसमें 4 बैंड रेडियो है, कैसेट प्लेयर है और इसमें 6 स्पीकर लगे हुए हैं। और देखिए आप, इसमें ये 2 बूफर इस साइड लगे हुए हैं और 2 बूफर इस साइड, और ये ट्वीटर लगे हुए हैं। तो और ये बहुत ही यूनिक टेप रिकॉर्डर है, 1990 के दशक का है। और से आपको और पक्ष में हेडफोन मिल जाएगा, ऑक्स चल जाएगी और इक्वलाइजर है इसमें। देखिए ये है इसका वॉल्यूम और ये बैलेंस है सब। 4 बैंड का रेडियो है इसमें। इस दौर में इसको बूम बॉक्स भी बोला जाता था, अब हिंदी में हम इसको टेप रिकॉर्डर भी बोलते हैं। और ये हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। और देखिए इसमें ये 6 स्पीकर हैं लिखा हुआ है। ये देखिए, ये 1-2 बूफर इस साइड में है, 2 बूफर इस साइड में है और ये ट्वीटर लगे हुए हैं। देखिए आगे से इसकी लुक देखने के लिए कितनी अच्छी लग रही है। ये बहुत ही यूनिक मॉडल है और ये इसमें हेडफोन भी लगा सकते हैं आप। ये देखिए बहुत ही अच्छा मॉडल है, ये इसकी लुक बहुत अच्छी दिखती है। ये देखिए इसमें ये स्विच है, टेप और रेडियो, और ये टेप को नॉर्मल मोड में लेके जाने के लिए है। ये स्विच है नॉर्मल और क्रोम, ये 2 फंक्शन में चलता है। और ये देखिए इसका वॉल्यूम है, ये इसका बैलेंस है, ये इसका इक्वलाइजर है। ये देखिए बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इसके रेडियो के 4 बैंड है, 4 बैंड का रेडियो का स्विच है। ये देखिए बैंड सिलेक्टर लगा हुआ है। ये देखिए इसमें FM स्टीरियो का इंडिकेटर लगा हुआ है, लाइट एमिटिंग डिटेक्टर्स, और AFC का अच्छा फंक्शन आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल भी है, और ये FM मेगाहर्ट्ज, SW मेगाहर्ट्ज, MW किलोहर्ट्ज, LW किलोहर्ट्ज, 4 बैंड स्टीरियो रेडियो कैसेट रिकॉर्डर है। ये देखिए, और देखिए हम आपको दिखाते हैं कि इसके रेडियो की ट्यूनिंग के लिए देखिए कितना बड़ा ट्यूनर लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसकी ये लुक भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें हम देखते हैं ये स्विच छोटे लगे होते हैं, लेकिन इसमें ये बहुत बड़ा लगा हुआ है सब। अभी इसको हम आप पीछे से दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसमें लाइन आउट है, राइट लेफ्ट, ये ऑक्स है, और ये स्विच लगा हुआ है ऑक्स सेटिंग के लिए और माइक सेटिंग के लिए। ये देखिए स्विच है ऑक्स के लिए और माइक के लिए। और इसमें बैटरीज भी पड़ती हैं, बैटरी से हम चला सकते हैं इसको। ये देखिए बीच में देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा है। ये बीच में भी इसका देखिए टाइप D834905, ये 50 से 60 मेगाहर्ट्ज फिलिप्स। और ये देखिए इसकी पावर सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है। और देखिए इसमें ये एंटीना है, एंटीना बहुत अच्छा है, इसको आप जिस तरफ मर्जी घुमा सकते हैं, कहीं भी सेटिंग कर सकते हैं। और ये वोल्टेज सिलेक्टर है, ये देखिए 120 वोल्ट, 220, 420 वोल्ट, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ये कंडीशन में है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है मेड इन सिंगापुर, ये सिंगापुर का बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। आप इसको ऐसे बूम बॉक्स, जब बूम बॉक्स की तरह इसको ऐसे खड़ा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसकी टॉप स्पीकर के जैसे इसकी लुक लग रही है, ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है। और देखिए ये जो हमने आपको जो ये टेप रिकॉर्डर दिखाया है, ये 1990 के दशक का है, उस टाइम का ये बहुत अच्छा ब्रांड है। ऐसी चीजें आजकल बहुत कम मिलती हैं,
और जिन लोग समय के जिन लोगों ने इसको चलाया है, यूज किया है, वो अभी भी इसको याद करते हैं। ये अपने दौर का सबसे अच्छा ब्रांड था। अभी भी इसकी जो इसको चलाते थे वो अभी भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं, उनको ये अभी भी चाहिए। और इसकी लुक देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है, ये 1990 का है लेकिन अभी भी इसकी बनावट देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, सब बहुत बढ़िया है। ये देखिए तकरीबन इसको बने हुए 32 साल हो गए हैं, और अभी देखिए बीच में से इसके स्पीकर ये वाइट दिख रहे हैं आपको और ब्लैक दिख रहे हैं, कितना क्लीन है, बहुत अच्छा दिख रहा है अभी भी ये। और इसके 5.5 इंच के ये वूफर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप चारों वूफर अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। ये बहुत अच्छा सेट है। और गाइस देखिए इसमें जो मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये सॉफ्ट टच सर्वो कंट्रोल सिस्टम है, क्यू बूस्टर, ये आप देख सकते हैं 4 बैंड D8349। पहले और गाइस हमने ये आपके लिए जो सेट दिखाया है अभी, ऐसे सेट प्रोडक्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमने अपना नया चैनल शुरू किया है एंटीक वर्ल्ड, मेरा नाम है सुरिंदर पाल सिंह हमारा नाम है, और हम आपके लिए ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।